शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने इस जगह दीपक जला करके डाल देना उसमें यह गुप्त चीज। जीवन के हर कष्टों से हाथों हाथ मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें आपको एक साधारण सा दीपक जलाना है, ये ऐसे उपाय हैं जो बहुत आसान से अचूक उपाय हैं, और अगर आप किसी भी शुक्रवार के दिन इन उपायों को कर लेते हैं आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है जिसके न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां हाथों हाथ खत्म हो जाएंगी बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शुक्रवार का दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र और पावन दिन होता है। जिस दिन अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी ही पूजा, साधना, आराधना विधि विधान से कर ले तो उसको माता लक्ष्मी जी अपनी कृपा और वरदान प्राप्त करती हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप एक साधारण सा दीपक वेद पुराणों के अनुसार सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार जला करके उसमें वह चीज़ें डाल देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, सिर्फ इतना ही करने भर से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। देखिए दोस्तों, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसी प्रकार से शुक्रवार का दिन देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शुक्रवार के दिन दीपक जला करके माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्रों का जाप कर ले तो माना जाता है इतना करने भर से माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति को अपनी उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करती हैं। सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो उसमें हमेशा दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। कहा जाता है मांगलिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, दशहरा की पूजा हो, दिवाली की पूजा हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, वहाँ पर कभी भी पूजा की शुरुआत की जाती है तो दोस्तों हमेशा पूजा की शुरुआत दीपक जला करके की जाती है। और कहा जाता है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में दीपक ना जलाया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा जो होती है वो संपन्न नहीं होती है। दोस्तों, दीपक जलाने का जो चलन है वो आज से ही नहीं प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऋग्वेद में साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी भी अंधकार नहीं होता है, उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर किसी घर में रोज पूजा पाठ नहीं हो सकती है और उस घर में प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है तो मान के चलिए उस घर की नकारात्मक शक्तियों का नष्ट हो जाएगा, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। कहा जाता है जो दीपक की रोशनी होती है दोस्तों उसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद बसता है और जिस घर में भी दीपक जलाया जाता है उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का तो वास रहता ही रहता है, उस घर में ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। कई देवी देवता उस घर में वास भी करने आते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी के सामने जब आप दीपक जलाते हैं तो इतने करने भर से ही माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और अगर आप दीपक को सही दिशा में जला करके उसमें वह गुप्त चीज़ें डाल दें जिसके बारे में वेद पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए अपने जीवन में आपके चल रही आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल सकती है, और मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके फिर जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, दीपक दो तरीके के होते हैं, एक होता है घी का दीपक, एक होता है तेल का दीपक। जो घी का दीपक होता है इसको हमेशा बाएं हाथ से जलाना चाहिए, जो तेल का दीपक होता है वो हमेशा दाएं हाथ से जलाना चाहिए। हर दीपक का अपना एक महत्व होता है। अब आप एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी जी के पूजा में चार तरीके के दीपकों का इस्तेमाल होता है। एक होता है एक बाती वाला दीपक, दूसरा होता है दो बाती वाला दीपक, तीसरा होता है तीन बाती वाला दीपक और चौथा होता है चार बाती वाला दीपक। हर दीपक का अपना एक विशेष महत्व होता है, और अगर आज के वीडियो में बताए हुए वह उपाय आप कर लेते हैं जिसमें सिर्फ आपको साधारण सा दीपक सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार जलाना है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में पैसों की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके जीवन में अगर धन आना बंद हो गया था, आप देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो चुका है, आपके घर में भी पैसा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इन तरीके की परेशानियों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा बल्कि आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको मिले जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना हो, हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अब आपको हम दीपक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आपको हर उपाय को समझना होगा, कौन से मुहूर्त पर कौन सा उपाय करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो भी लाइक करना होगा। दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वह उपाय है घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश करने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करना है, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे और आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आप लोगों को एक
तेल का दीपक जलाना होगा। तेल का दीपक जलाने से पहले इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, तेल का दीपक दाएं हाथ से जलाइए और तेल के दीपक में एक एक लौंग डालने से पहले जय माता लक्ष्मी बोल दीजिएगा। अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को इतना करना भर शुरू कर देंगे तो ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही वास करने आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, आपके जीवन में जो धन आपके पास आ रहा है वो रुके भी टिके भी उसमें वृद्धि भी हो, तो एक महा उपाय बताया गया है तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 34 में। यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी उसमें वृद्धि भी होगी। आपको प्रत्येक शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास पूर्व दिशा में आप लोगों को एक सरसों के तिल का दीपक जलाना है और उसमें गिन के 3 काले तिल के दाने डालने हैं। अगर आप ये प्रत्येक शुक्रवार को करना शुरू कर दें तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची होगी वो पूरी तरह से रुक जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। अब आप सोचेंगे आखिर पीपल के ही पेड़ में क्यों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो पीपल का पेड़ होता है दोस्तों ये एक देव पेड़ होता है, इसको पेड़ों का राजा माना जाता है और कहा जाता है कि इस पेड़ में इस वृक्ष में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी वास करते हैं। और शुक्रवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लें तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी तो आपको होगी ही नहीं, दूसरी तरफ आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसको धन संबंधित परेशानी नहीं हो सकती है। वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो प्रत्येक शुक्रवार को ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे। प्रत्येक शुक्रवार को आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। आप लोगों को 2 दीपक लेने हैं, एक लेना है सरसों के तेल का लेना है, एक आपको लेना है घी का दीपक। आपको ये दीपक अपने छत पर ले जाना है और ये छत पर अपने दीपक जलाना है। अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को यह करना शुरू कर देंगे तो आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप ये सोचे होंगे कि इस तरीके से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ कैसे देगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों किसी भी व्यक्ति का जो शुक्र ग्रह होता है वो उसके छत पर वास करता है। और प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप लोग दिन के वक्त अपने घर के पे अपनी छत पर झाड़ू लगा दें और प्रत्येक शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक एक घी का दीपक जला दें अपनी छत पर, तो इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है और आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देता है और धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचता है। अब जो उपाय हम आपको बताना रहे हैं यह धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए। देखिए शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के 8 रूप की पूजा की जाती है और अगर आप माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल कपड़े पहनने हैं। लाल कपड़े पहनने के बाद एक थाली लीजिए, उसमें 8 दीपक रखिए गाय के दूध से बने हुए घी का। 8 दीपक क्यों, क्योंकि आप माता लक्ष्मी जी के 8 रूप की पूजा करने आ रहे हैं। आपको 8 दीपक को जलाना है, माता लक्ष्मी जी के सामने जाना है, माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीय नमः। प्रत्येक शुक्रवार को यह कीजिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी, फिर आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं हो सकती। ये एक महा उपाय है जो तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 51 में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता।